Hello and welcome to your own channel, Ruma's Classes. So today we are going to do this 11th chapter of your English readers, The Midnight Oil, that is Gorilla, written by Martin Honeysett. ये poem एक gorilla के बारे में है और बहुत funny poem है and you will enjoy reading it. So let's start. A giant gorilla came to the... अब gorilla क्या है? एक बड़ा सा monkey, big size वाला monkey, उसको gorilla बोलते हैं. Monkey की एक type की breed. So a giant gorilla came to tea. Oho, chai pe aa gaya gorilla to. Whoever asked him, it wasn't me. Means usko kisne invite kiya chai pe? Maine to nahi kiya. He came in through the kitchen wall. Oh my god, darwaze se nahi, khidki se nahi, seedha diwar tod ke andar aaya kitchen ki. It took 6 chairs to seat him all. Aur kitni? 6 chairs pe baitha ek saath. Matlab 1 2 3 chair kam padi uske liye, uske ek saath 6 chairs pe baitha wo. वाह क्या साइज है गोरिल्ला का. ही ड्रैंक हिज टी स्ट्रेट फ्रॉम द पॉट. मतलब न कप न गिलास, सीधे पॉट से चाय पियेंगे हम तो. एंड सैंडविचेस ही एट द लॉट. मीन्स जितने भी सैंडविचेस थे सारे खा गया. ओ गॉड. ही पोक द जेलीज टू मेक देम वॉबल. वाओ, ही इज प्लेइंग विद द जेलीज. दैट मीन्स उसने जेली पे एक तरफ से उंगली चुभाई तो जेली दूसरी तरफ से हिली, फिर उसने दूसरी तरफ से हिलाई तो पहली तरफ से हिली. मीन्स ही वॉज ट्राइंग टू प्ले विद द जेली. देन सॉलोड देम अप. फिर उसको खा गया विद जस्ट वन गॉबल. एक ही बारी में पूरी की पूरी जली उठा के मुँह के अंदर रख के गटक गटक गया अंदर. ऑल दैट रिमेन्ड ऑन द प्लेट वॉज द केक. सो प्लेट पे बचा क्या? सिर्फ केक बचा, कुछ नहीं बचा. और देर वॉज नथिंग एल्स फॉर हिम टू टेक. उसके पास और कुछ था ही नहीं उसको लेने के लिए. When he eaten that means वो भी खा गया. वो जो केक बचा था प्लेट में आखिरी चीज़, वो भी उसने खा ली. I showed him the door. मैंने उसको दरवाज़ा दिखाया कि भाई अब निकल लो तुम, बहुत हो गया तुम्हारा, सब कुछ तुम निपटा दिए हो. And hope he'd go for there was no more. And लगा कि अब तो वो चला जाएगा क्योंकि अब तो कुछ बचा ही नहीं ना उसके खाने के लिए. And hope he'd go के बाद कॉमा होना चाहिए था जो कि आपके बुक्स में नहीं है. सो होप हीड गो मीन्स अब मुझे लगा कि वो चला जाएगा क्योंकि अब उसके खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था. इंस्टेड ही एट द डोर एज वेल. अरे बाप रे, वो दरवाज़ा भी खा गया. एक्सेप्ट फॉर द नॉकर एंड द बेल. मीन्स जिससे हम लोग पकड़ के बजाते हैं ना कुंडी, खटखटाते हैं किसी के घर पे, वो नॉकर और बेल छोड़ के सब कुछ खा गया वो. एंड देन एट लास्ट ही डिसाइडेड टू गो. चलो अब फाइनली उसने सोचा कि अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा है, मैं सब कुछ तो खा चुका हूँ, अब जाता हूँ. तो अब वो गया. हु इन्वाइटेड हिम, आईड लाइक टू नो. उसको बुलाया किसने था, मुझे पता करना है. सो दिस इज़ ऑल इन द पोएम एंड येस दिट्स अ वेरी फनी पोएम. आई एन्जॉयड रीडिंग इट आउट फॉर यू. होप यू ऑल ऑल्सो एन्जॉयड इट. एनी डाउट्स प्लीज़ राइट इन द कॉमेंट बॉक्स. थैंक यू फॉर लिसनिंग.